पंजाबी कविता जिसका शीर्षक है तोहफा, इलियास भाई को बहुत पसंद है। यस सर। तो ये इसकी रूपरेखा भी थोड़ी बताता हूँ, इससे बड़ी फनी स्टोरी है कि नॉर्डे मैंने 5 साल पहले लिखी थी 2012 में, मेरा कॉलेज में ब्रेकअप हो गया था। हर लड़के की जिंदगी में एक टाइम आता है, हर लड़के की जिंदगी में एक टाइम आता है जब उसको लगता है कि हाँ ये लड़की झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, साफ दिख रहा होता है, लेकिन दिल इतना मासूम है कहता चल लेना अच्छा लगे। यहाँ पे भी आता हमने उस टाइम लिखी थी, इसका शीर्षक है तोहफा। एक बूंद सूरज दी देवा, एक बूंद सूरज दी देवा, ते देवा एक चुटकी भर खुशबू, एक कासा भर के शाम का देवा, ते देवा एक मुठ्ठी अग दी लौ, एक चुल्ली गगन का रंग देवा, क्योंकि तेनू आजादी की प्यास बड़ी, नहीं तेनू तोहफा देन दी आस बड़ी, तेनू तोहफा दे। दिल बताया नहीं बस मंग रखिया, मैनू हिजरा दी किल्ली उते टंग रखिया, पैर पैर ते मैनू झूठ बोलिया, पैर पैर ते मैनू तंग रखिया, फिर भी तेनू छड़ना ना चाहे, इस दिल नू लगदी तू खास बड़ी, नहीं तेनू तोहफा देन दी आस। मैनू दस भला ओ कादा आशिक जेड़ा सेज विछोड़े दी ना माने, हुण तेरे नाल गल करके की लैणा, तैथों जखम पछाणे नहीं जाणे, इस अणलिखियां कवितावां दे जंगल च इक लिख दित्ती आ गई रास बड़ी, तेनू तोहफा देन दी आस बड़ी, तेनू तोहफा देन दी आस बड़ी। अभी स्टार्ट हो गया जा, अभी एक उर्दू पोएम है, एक उर्दू गीत है जिसका शीर्षक है इकरार। इकरार का मतलब होता है प्रपोजल, तो अगर मुझे कभी शायरी में किसी को प्रपोज करना होगा तो शायद मैं ऐसे करूंगा। दुल्हन सी शाम सुहानी में, सागर की दीद रूहानी में, दुल्हन सी शाम सुहानी में, सागर की दीद रूहानी में, इन ठंडी हवा के झोंकों में, सर्दी की रुत दीवानी में, आए आकाश और सागर के बीच क्षितिज में सिलना चाहता हूँ, तेरे सूरज से तो वाकिफ हूँ, तेरे चांद से मिलना चाहता हूँ, तेरे हुसन के शिखर दोपहरे में, तेरे परियों जैसे चेहरे में, तेरी दीद के शिखर दोपहरे में, तेरे परियों जैसे चेहरे में, हर जगह ही सूरज दिखता है मुझे रात शब और सहरे में, हर जगह ही सूरज दिखता है मुझे रात शब और सहरे में, तेरे मन की काली आंधी में बन पत्ता हिलना चाहता हूँ, तेरे सूरज से तो वाकिफ हूँ, तेरे चांद से मिलना चाहता हूँ। वश नहीं है मेरा मोहब्बत पे, मैं बचपन से निर्मोही हूँ, अक्सर खुद को समझाता था मैं बंजर हूँ, मैं रोही हूँ, तेरे दिल की पीली गुलशन में आज फूल में खिलना चाहता हूँ, तेरे सूरज से तो वाकिफ हूँ, तेरे चांद से मिलना चाहता हूँ। जब तक गगन में सूरज है एक चोर सा हो इन बातों में, जब तक गगन में सूरज है एक चोर सा हो इन बातों में, ये कुदरत का ही नियम है गिरते हैं पर्दे रातों में, आए हाय ये कुदरत का ही नियम है गिरते हैं पर्दे रातों में, तेरे हुस्न के ऊंचे पर्वत से बन नीर पिघलना चाहता हूँ, तो बहुत। और इसका आखिरी बंद है कि ध्यान से सुनना, उनको भी बहुत झुकाया था और खुद भी अक्सर झुकता था, उनको भी बहुत झुकाया था और खुद भी अक्सर झुकता था, फिसला था मैं भी कई बारी मुश्किल से वापस उठता था, मगर ये वक्त की गर्दिश है आज फिर फिसलना चाहता हूँ। एक पंजाबी गजल है, एक छोटी सी पंजाबी गजल है जिसका शीर्षक है स्याही। दवात विच पई किसे दी जून है स्याही, दवात विच पई किसे दी जून है स्याही, एक कलम विच परी मासूम है स्याही, जदों निकले कलम दे नके विचों शायर दा डुलिया खून खून है स्याही। वाह बहुत बहुत। इंसाफ लिखना चाहे पर लिख ना पावे, इंसाफ लिखना चाहे पर लिख ना पावे, किसे जज दे हाथ विच कानून है स्याही, किसे बेचारे दफ्तरी मजदूर दी ए तब्बे वाली पतलून है।
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਮੇਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਸਿਆਹੀ